एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच का मेकअप स्टाइल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और विंटर में नई नई रेसिपी बनाकर और खाकर उनको एंजॉय कर रहे होंगे विंटर को। तो विंटर को एंजॉय करते रहिए, रेसिपी नई नई बनाते रहिए, खाते रहिए, बट उसके साथ साथ अपनी स्किन का भी उतना ही ध्यान रखिए। बिकॉज ऑफ विंटर आ गया है तो आप ये मत सोचिए कि मुझे स्किन केयर की नीड नहीं है। तो स्किन केयर को या स्किन को देखते हुए मैं आपके साथ आज एक प्रोडक्ट शेयर करने जा रही हूँ जो कि मैंने पर्पल ऐप से परचेज़ किया है। तो यहाँ पर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है ये स्क्रब। तो स्क्रब के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ इसके इंपॉर्टेंट थिंग बता देती हूँ जो शायद जो हमारी हाउस वाइफ है उनको लगता है कि स्क्रब की नीड हमको नहीं है, बिकॉज ऑफ हम तो बाहर जाते ही नहीं हैं। तो हम वाई हाउस वाइफ ये समझते हैं कि हम बाहर नहीं जाते तो हमें स्क्रब की नीड नहीं है। हाँ, अगर आप बाहर निकलते हैं तो वीक में 1 से 2 टाइम तो ज़रूर बॉडी स्क्रब एंड फेस स्क्रब का यूज़ कीजिए। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो वीक में 1 टाइम फेस स्क्रब ज़रूर यूज़ कीजिए। फेस स्क्रब से क्या होता है, जो हमारी स्किन की और बॉडी की जो डेड स्किन होती है वो रिमूव हो जाती है एंड न्यू हेल्थी स्किन जो होती है वो ग्रो करने लगती है एंड एक ग्लो भी प्रोवाइड होता है। तो इसलिए स्क्रब वीक में 2 टाइम तो आपको अप्लाई करना ही चाहिए। अगर आप 2 टाइम नहीं कर पाए तो वीक में 1 टाइम ज़रूर स्क्रब को अप्लाई करिए। तो यहाँ पर मैं बात करने जा रही हूँ, ये गुड वाइब्स का स्क्रब है जो कि मैंने परचेज़ किया है। ये लेमन एंड बेसिल, इसकी बहुत सारी वैरायटियाँ आती हैं, इसमें आप जो चाहें वो ले सकते हैं, बट लेमन इसलिए मैंने लिया कि लेमन जो होता है वो हमारी डेड स्किन को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। विटामिन सी होता है जो कि ग्लो करते ही हमारी स्किन को, इसलिए मैंने इसको लिया है। इसकी अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ तो 22 यानी कि 22 का बना हुआ है एंड 24 में इसकी एक्सपायरी डेट है। तो आराम से आपकी वो 2 ईयर्स की सेल्फ लाइफ है, आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। 210 की इसकी MRP रेट है, बट आप इसको अगर सेल के टाइम पे परचेज़ करेंगे तो आपको इसमें डिस्काउंट भी प्रोवाइड हो जाएगा, मिल जाएगा। एंड ये नो पैराबीन नो मिनरल ऑयल है, सो दिस इज़ ए वेरी गुड। एंड ये डीप क्लिनजिंग फेस स्क्रब है, इसको अप्लाई करेंगे तो डीप क्लिनजिंग होता है, हमारी स्किन की जो 7 लेयर होती है तो वो उसके अंदर जाके इसको क्लीनिंग करता है, बहुत अच्छा है। अगर मैं अब इसकी पैकेजिंग की बात कर लूँ तो ये मुझे ऐसा ही रिसीव हुआ था, इसके साथ कोई कार्डबोर्ड पैकेजिंग नहीं रिसीव हुई थी इसके साथ में मुझे, और ये इस तरीके की बॉटल में आता है। ये कुछ प्लास्टिक का बॉटल है एंड ऊपर से ऐसे साइनी सी कैप लगी हुई है एंड पीछे ऐसे कुछ भी नहीं है, और ये इस तरीके से ओपन होता है। इसके ऊपर भी आपको एक कैप मिलती है विच इज़ वेरी गुड, जो कि प्रोडक्ट को सेफ रखती है और वो ख़राब ना हो, इस तरीके से प्रोडक्ट इधर उधर नहीं लगेगा आपका। और इसका जो फॉर्मूला और टेक्सचर है तो कुछ इस तरीके से है, आप इसको देख सकते हैं, ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं, मैंने इसको हाफ़ यूज़ कर लिया है। और इसके अगर मैं टेक्सचर की बात करूँ तो वो भी बहुत अच्छा है। एक बहुत ही जेंटली अप्लाई करना है आपको, बहुत ज़्यादा बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं इसमें, बहुत बड़े पार्टिकल्स नहीं हैं। तो अगर मैं आपको इसके फार्मूले की बात करूँ तो ये कुछ इस तरह का क्रीमी फार्मूला है और इसमें बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल हैं, यू कैन सी, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल हैं, इनको आप जेंटली अपने हैंड पे ऐसे रब करते हुए करना है, अप्स एंड डाउन ऐसे रब करना है। इसको मैं फेस स्क्रब के रूप में भी इसको यूज़ करती हूँ, इसे मैं हैंड स्क्रब भी करती हूँ, फीट स्क्रब भी करती हूँ, हाँ बट मैं बॉडी स्क्रब नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं बॉडी स्क्रब भी करूँ, बट हाँ जब टाइम मिलता है तो मैं हैंड स्क्रब वीक में 1 टाइम तो मैं ज़रूर करती हूँ, हैंड स्क्रब एंड फीट स्क्रब एंड फेस स्क्रब इतना तो मैं ज़रूर करती हूँ एंड नेक पे भी अप्लाई कर लेती हूँ। तो आपको इस तरीके से इसको स्क्रब करते हुए जाना है। स्मेल इज़ वेरी गुड, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, बेसिल की स्मेल आ रही है इसमें, तो इसको आपको ऐसे रब करते जाना है। एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर भी हैंड में ये प्रोवाइड करा देता है, आपकी स्किन ऐसे रूखी नहीं लगेगी। एंड आप देख सकते हैं कैसे मेरे हैंड में एक मॉइस्चराइजर हो गया है, इसकी पिक्चर देख सकते हैं, यू कैन सी कि ये रुखा रुखा हैंड लग रहा है एंड इसमें मैंने इसको स्क्रब कर लिया है। तो एक साइन भी आ जाती है, एक ग्लो भी आ जाता है एंड जो आपकी डेड स्किन होती है वो भी रिमूव हो जाती है। तो इसे आप ज़रूर यूज़ करिए, वीक में 1 टाइम तो स्क्रब ज़रूर करिए
इसका फॉर्मूला इज़ वेरी गुड एंड ये पैराबिन फ्री, सिलिकॉन फ्री है, तो ये आपकी स्किन को कहीं भी हार्म नहीं करते हैं। नो एनिमल टेस्टेड हैं, ये एनिमल पे टेस्ट नहीं किए जाते, विच इज़ वेरी गुड। तो आप इसको ज़रूर कीजिए यूज़, एंड यूज़ करके मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। अगर प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, और हाँ वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।